Good morning, student. Today our topic is determinant. What is determinant? Determinant is square matrix. Okay, एक square matrix का ही हम determinant निकाल सकते हैं. Matrix किसी भी order का हो सकता है, लेकिन जब उसका हम determinant निकालेंगे तो वो एक square matrix होना चाहिए. Okay, so start करते हैं. एक example के साथ start करते हैं. जैसे suppose है A is equal to 5 2 1 1. ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया या एक डिटरमिनेंट ले लिया, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे? 2 by 2 का है, सिंपल. डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे करके. ओके, बहुत जगह आपको ऐसे लिखा भी मिलेगा, DETA. इसका मीन्स भी यही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए. कैसे निकालेंगे 2 by 2 का? तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखोगे ऐसे. ये 5 1 5 माइनस 1 2 2, कितना आया? 3, राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं 2 by 2 का ही. 5 3 -1 -2, राइट. स्टार्ट करते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकलेंगे? पहले ऐसे -10, बीच में सिंबल माइनस, बीच में माइनस का ही सिंबल आएगा, ये याद रखना, माइनस 3. ओके, 5 2 10 -3, सो -10 + 3 इज इक्वल टू -7. तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज -7, राइट. तो ये तो था 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे. अब 3 by 3 का ध्यान से देखना, 3 by 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं 3 by 3 ऑर्डर. जैसे a इज इक्वल टू, मैंने लिया डिटरमिनेंट 1 0 1. क्वेश्चन ऐसे आएगा, इवेल्युएट. कैसे आएगा क्वेश्चन? इवेल्युएट 0 2 1 5 1, ऐसे इवेल्युएट करना है. मतलब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है. ओके, याद रखना स्टूडेंट्स, हम डिटरमिनेंट जब भी निकालेंगे तो हम C1 से भी, कहीं से भी. C1 आपको पता है ना, ये R1 R2 R3, C1 C2 C3, किसी भी C1 से या C2 से या C3 से या R1 से या R2 से R3 से, किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और आंसर हमारा सेम आएगा. आपको मैं C1 से और R1 से दोनों से एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, आंसर हमारा सेम आएगा. लेकिन अब आपके पास आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम कौन सा लें. आपको ट्राई करना है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो ना उसको हम लेंगे, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए, राइट. स्टार्ट करते हैं 3 by 3. एक सिंबल मैं आपको बता दूं, इसमें 3 by 3 में सिंबल क्या होते हैं. यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब दो सिंबल एक साथ नहीं आएंगे, प्लस माइनस प्लस. अब देखो ध्यान से, प्लस के दोनों तरफ माइनस, प्लस माइनस प्लस, ओके, राइट. तो इस तरह आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल अच्छी तरह. मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड बाय जीरो. किस में दिख गई मुझे? C1 में. एक्सपेंड बाय C1 स्टार्ट करते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले ये किस चीज़ का है? प्लस का है, 1. ओके, अब जिसको भी, जिसका भी मैंने एलिमेंट लिया, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिया तो इसकी रो भी ख़त्म और इसका कॉलम भी ख़त्म, ये भी गया ये भी गया. व्हाट इज रिमेनिंग? ये जो आपको दिख रहा है. तो इसमें आप करें हम 2 1 2, बीच में सिंबल माइनस का, ये याद रखना, 1 5 5, ठीक है. अब लेते हैं हम किसको, क्योंकि हम C1 से कर रहे हैं, तो ये रहा C1, 0, सिंबल किसका? माइनस 0, राइट. अब ये भी खत्म, ये भी खत्म. देखो जिसको भी ले रहे हैं उसका रो और कॉलम दोनों खत्म, ठीक है, दोनों को नहीं लेंगे. ये एंड, ये भी एंड, तो ये 2 2 4 -1 3 3, राइट. अब इसके बाद बचा 2, सिंबल क्या? प्लस. ये एंड, व्हाट इज रिमेनिंग? 2 5 10 -2 5 10 -3, राइट. सॉल्व करते हैं, 1 × -3 0 × 1 +2 × 6, तो -3 + 14, व्हाट इज रिमेनिंग? 11. क्लियर है? C1 से एक्सपेंड करने से क्या? 11. अब मैं R1 से आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, उससे भी क्या आना चाहिए आंसर? 11.
देखते हैं। स्पेंड बाय आर वन, आर वन ये है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन, ये ठीक है, ये और ये एंड, तो व्हाट इज रिमेनिंग, वन टू जा टू माइनस वन फाइव जा फाइव, तो सेम आए। अब ये टू किस चीज का सिंबल, माइनस माइनस टू राइट, ये कैंसल और ये भी कैंसल, ये कैंसल और ये भी कैंसल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, ये और ये जीरो इंटू टू जीरो, फाइव टू जा टेन राइट। अब आया इस पे प्लस थ्री, सिंबल प्लस है तो ये कैंसल और ये कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग, ये और ये गए जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, टू वन जो टू जीरो माइनस टू, ओके। सो देखते हैं, वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस टेन और प्लस थ्री इंटू माइनस टू राइट, तो व्हाट इज दिस, माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्स, सो माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू इलेवन, तो इससे भी इलेवन उससे भी, तो एक्सपेंड इस तरह करते हैं थ्री बाई थ्री को राइट। तो आपको डाउट आए तो आप मुझसे पूछना, ओके, थैंक यू।